Hello friends, welcome to Simi's Edu Center, and this is Simi here. And today we are going to start a new chapter, Force and Laws of Motion of Class 9 Physics. So our first topic is force. हमारे एवरीडे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो उसे मोशन में लाने के लिए हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप्ड है तो उसे मूव कराने के लिए हमें मूव कर रहा है तो उसे स्टॉप कराने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। इट मीन्स कि हमें ऑब्जेक्ट को पुश करना होता है, पुल करना होता है या हिट करना होता है। पुश पुल या हिट करके हम उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जो यही पुश पुल है ये सारा जो है वो इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, हम फोर्स को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, फोर्स के इफेक्ट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। पुशिंग, पुलिंग या हिटिंग ये सारे तरीके हैं जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अगर फिगर में जैसा हम देख रहे हैं कि अगर हॉकी स्टिक से किसी भी बॉल को हम हिट करते हैं तो बॉल का पोजीशन चेंज हो जाता है, या फिर एक स्फेरिकल रबर बॉल है जिसे कि हम प्रेस करते हैं दोनों एंड से तो उसका शेप चेंज हो जाता है, या फिर कोई स्प्रिंग है जिसे कि हम पुल करते हैं फ्रॉम द बोथ द साइड और एनी वन ऑफ द साइड तो वो एक्सपेंड कर जाता है। इट मीन्स जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, पोजिशन, डायरेक्शन, शेप ये कुछ भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स फोर्स पुशिंग पुलिंग के कारण स्पीड, पोजीशन, साइज, शेप ये सब कुछ भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? सपोज कीजिए कि एक रोप है जिसे दोनों एंड से खींचा जा रहा है। ठीक है, दोनों एंड से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। इस फिगर में हम देख सक रहे हैं कि 300 न्यूटन का फोर्स दोनों एंड के पार्टीज लगा रहे हैं एक दूसरे पे। तो क्या इफेक्ट करेगा? दोनों एंड से 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा और 300 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन इज इक्वल टू जीरो, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो जीरो हो रहा है तो इस टाइप का फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता है, किसी भी साइड मूव नहीं करेगा, वो स्टेशनरी रहेगा, स्टैटिक रहेगा उसी पोजिशन में। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक। बैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं करता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है? इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। एक फोर्स लेट सपोज कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड से लग रहा है और दूसरा राइट हैंड साइड से लग रहा है, बट दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है तो नेट फोर्स जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, या फिर इस फिगर में आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं बैलेंस्ड फोर्स के। सपोज कर सकते हैं कि एक बॉल है जिसको हम अपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेस कर रहे हैं तो शेप और साइज जो है वो बैलून का चेंज हो जाएगा बट उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। इट मीन्स बैलेंस फोर्स जो है वो चेंज शेप को कर सकता है, साइज को कर सकता है, बट पोजीशन को चेंज नहीं करेगा बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? सेम रोप वाला एग्जाम्पल जो हमने बैलेंस्ड फोर्स पे लिया उसी एग्जाम्पल को हम अनबैलेंस्ड फोर्स में अगर लेते हैं तो क्या है कि एक साइड से 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सपोज कीजिए और दूसरे साइड से 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इट मीन्स एक साइड जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा वो 400 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो रहा है। इट मीन्स नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है, ये जीरो से ग्रेटर है। तो इस टाइप का फोर्स जो होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स के ही कारण कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स ग्रेटर होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है? अनबैलेंस्ड फोर्स पोजीशन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है। इस यहाँ पे फिगर जो है इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स दिखे हुए हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि एक रोप में 30 न्यूटन और 50 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उसमें 50 न्यूटन वाले फोर्स के अक्रॉस ही मूवमेंट होगा क्योंकि फोर्स उधर ज़्यादा है। रॉकेट का एग्जाम्पल इस फिगर में जैसे दिया हुआ है कि रॉकेट ऊपर में 300 न्यूटन से जा रहा है और नीचे 100 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं उसमें, तो नेट फोर्स जो है वो अप ही जाएगा क्योंकि वहाँ जो फोर्स है वो ज़्यादा है।
Okay, thank you.